हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। अंक पत्र के साथ एडमिट कार्ड जरूरी। मैं पहले भी आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, नियोजन से लेकर बाद में भी आप जॉब में आ जाते हैं उसके बाद भी बार बार एडमिट कार्ड मांगा जाता है। तो फाइनली गाइडलाइन जारी हो गया है कि अंक पत्र के साथ साथ एडमिट कार्ड भी लगाना है, यह बहुत ज़रूरी है। और कहाँ पे कौन सा फॉर्म, आवेदन फॉर्म जमा होगा उसका एड्रेस भी दिया है मुजफ्फरपुर का। काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, फाइनली आ गया है रोस्टर। हालांकि सीट तो बहुत कम है, मतलब बहुत बेकार यहाँ का आया है, लेकिन चलिए पूरी न्यूज़ को देखते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली का नियोजन इकाईवार रोस्टर जारी करने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया को लेकर भी गाइडलाइन स्पष्ट कर दिया गया है। वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन के साथ अभ्यर्थी किन किन कागजातों को लगाएंगे उसे लेकर निर्देश दे दिया गया है। अभ्यर्थियों को वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली में आवेदन के समय अलग अलग कागजात को लगाना है। DPO स्थापना ने गुरुवार को सभी BEO को आवेदन लेने से लेकर नियोजन की प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन दिया। DPO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जिस कोटि और विषय में रिक्ति है उसी में नियोजन इकाई अभ्यर्थियों से आवेदन लेंगे, अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो इसके लिए नियोजन इकाई जो है जवाबदेह होंगे। DPO ने सभी प्रखंड से लेकर पंचायत के अभ्यर्थियों के आवेदन लेने के लिए विशेष काउंटर लगाने का आदेश दिया है। DPO ने कहा कि अभ्यर्थी आवेदन के समय संबंधित कागजात जरूर लगाएं। क्या क्या कागजात लगाना है देख लीजिए। इसमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्र, यानी मैट्रिक, इंटर, अगर आप 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, उसका सारा जो अंक पत्र है 100 लगाइए। इसके बाद उसका प्रमाण पत्र लगाइए, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और साथ ही आप अगर BTET पास है या CTET पास है तो उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र, और उसके अलावा एडमिट कार्ड। अब आप कहेंगे कि BTET में तो बस अंक पत्र ही दिया गया, तो BTET में अंक पत्र ही दिया गया, तो अंक पत्र और एडमिट कार्ड, CTET में प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, तो प्रमाण पत्र, अंक पत्र और साथ में एडमिट कार्ड, ये तीनों लगाना है। अपने आवेदन के साथ निबंधित डाक टिकट लगा एक लिफाफा जरूर लगाएंगे, और उसमें जो गाइडलाइन यहाँ का जारी किया गया है तो वेबसाइट पे भी ये चीज़ दिया गया है कि डाक टिकट लगाना एकदम ज़रूरी है। एक लिफाफा में डाक टिकट लगाना ही है, 2 लिफाफा जो अंदर देना है उसमें, और अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा करने से पहले इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखे। या कोई भी अभ्यर्थी जो है आवेदन जमा करने से पहले इन बातों का ख्याल रखे कि इसमें से कोई भी चीज़ छूटे नहीं, सारा कुछ वहाँ आपको लगाना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। चलिए, इन केंद्रों पर लिया जाएगा आवेदन। कहाँ पे आवेदन लिया जाएगा ये चीज़ देख लीजिए। नगर निगम नियोजन इकाई में का लिया जाएगा, नगर निगम कार्यालय में, ठीक है। इसके बाद नगर पंचायत कांटी का लिया जाएगा नगर पंचायत कार्यालय में। इसके बाद नगर पंचायत मोतीपुर का मोतीपुर पंचायत कार्यालय में लिया जाएगा। नगर पंचायत साहेबगंज का पंचायत कार्यालय साहेबगंज में लिया जाएगा। मुसहरी जो है उसका संबंधित प्रखंड कार्यालय में लिया जाएगा, मतलब मुसहरी प्रखंड जो है वहाँ पर प्रखंड कार्यालय में लिया जाएगा। कांटी का भी प्रखंड कार्यालय में लिया जाएगा, मोतीपुर का भी प्रखंड कार्यालय में, मीनापुर का प्रखंड कार्यालय में, और जितने भी पंचायत है सभी पंचायत नियोजन इकाई का वहाँ का जो संबंधित पंचायत भवन है उस पंचायत भवन में लिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। रोस्टर तो कल ही आ गया है, तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको उससे अपडेट करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।